हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक फिर से जॉब नोटिफिकेशन लाया हूँ दोस्तों। और मैं ये जॉब जो है इसका बताने वाला हूँ, पूरा सारा डिटेल्स जो है इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से इन तक ज़रूर देख लेना, तो तभी आप लोगों को समझ में आया होगा आएगा। सो अगर स्किप करके देखता है तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आप लोग को कमेंट करने की भी ज़रूरत आवश्यकता हो सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को अगर चैनल में कोई आप लोगों में से अगर कोई चैनल पे नए है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करना है दोस्तों। तो इसमें अभी आप लोगों को किस तरह से है तो अप्लाई करना है आप लोगों को एप्लीकेशन और इनवाइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एलोंग विद ऑल सबमिटिंग डॉक्यूमेंट फॉर द पोस्ट असिस्टेंट इन गवर्नमेंट LP UP स्कूल फ्रॉम MTET टू क्वालिफाइड कैंडिडेट फेलिंग्स अंडर सब डिविजन स्कूल एजुकेशन ऑफिसर मैकनराज साउथ वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट। तो इसकी तरफ से आया है ये, और वहीं पर आप लोग का जो पोस्टिंग वगैरह है वो हो जाएगा LP स्कूल और UP स्कूल का है, तो दोनों स्कूल का ही आप इसमें वैकेंसी आ चुका है दोस्तों। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सो मेघालय का ऑल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आप कौन सा भी डिस्ट्रिक्ट से अगर बिलोंग भी करता है तो कोई भी एलिजिबल नहीं है, सब नॉट एलिजिबल नहीं है, सब एलिजिबल ही है दोस्तों। तो इसमें जो आप लोग को पहला पोस्ट मिल रहा है वो आप लोग को असिस्टेंट टीचर का पोस्ट मिल रहा है। इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो 5 लेवल पे रहेगा, तो 5 लेवल पे आप भी कितना 1000 पे है वो आप लोग को पता होगा। तो इसमें आप लोग को क्या होना चाहिए, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग को मांगा गया है इसमें 12 पास अगर आपका है, 50% मार्क है जनरल कैंडिडेट के लिए मांगा बोला है, और 45 अगर ST SS से अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आप लोगों को क्या होना चाहिए, अगर आपने DA DE DE L.DA और नहीं तो BDA किया है आपने, तो इसमें क्या आप लोग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल मैन डिक्टेटरी अंडर गो ए 6 month ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन रिकोगनाइज बाई NCTE विथ इन 2 year ऑफ अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर एस NCTE नोटिफिकेशन डेट। तो आप लोगों को पता होगा और 6 month का आप लोग का ब्रिज कोर्स किया है अगर एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। 6 month का होना चाहिए दोस्तों अगर वो कोर्स आप लोग का है, तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। असिस्टेंट टीचर का पोस्ट है दोस्तों, तो इसमें जो है बहुत अच्छा पोस्ट मिल रहा है दोस्तों। आप लोग जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, 115 पोस्ट मिल रहा है इसमें, तो बहुत अच्छा खासा पोस्ट मिल रहा है। और सेकंड जो है नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट टीचर आर्ट्स का है दोस्तों। ये इसमें आर्ट्स का मांगा गया है उन्होंने, तो आर्ट्स के लिए जो है इसमें भी 8 लेवल पे तक आप लोग का जो पे स्केल है वो रहेगा दोस्तों। और इसमें आप लोग का अगर आपने ग्रेजुएट या तो आर्ट्स में किया है, अगर ग्रेजुएट किया है आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% जनरल के लिए है, अगर ST SC से अगर आप है तो 45% आप लोग का मार्क ज़रूरत है। इसमें भी वही सेम मांगा है BAD अगर कोर्स किया है आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम जो है आप लोग को नोटिफिकेशन डेट तो 2010 में आप लोग को किया होगा नहीं तो तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसमें जो पोस्ट है दोस्तों वो 4 पोस्ट है दोस्तों। इसमें भी बहुत अच्छा खासा पोस्ट मिल रहा है दोस्तों। और नेक्स्ट आता है असिस्टेंट टीचर साइंस मैथमेटिक्स, तो साइंस मैथमेटिक्स के लिए भी मांगा गया है उन्होंने। इसमें आपने अगर साइंस में ग्रेजुएट किया है, 50% आपका मार्क है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ST ST अगर है तो आप 45 के ही आप लोग एलिजिबल हैं। इसमें भी BAD कोर्स मांगा है, आपने किया है तो आप इसमें एलिजिबल है दोस्तों, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। असिस्टेंट टीचर इन हिंदी इसमें भी पोस्ट निकला हुआ है दोस्तों, और सॉरी मैंने बताने के लिए भूल गया था, इसमें 3 पोस्ट था असिस्टेंट टीचर साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए जो है वो 3 पोस्ट था दोस्तों। तो हिंदी के लिए जो है दोस्तों इसमें भी 8 लेवल पे आप लोग को जो पे स्केल वो मिल जाएगा दोस्तों। और इसमें आप लोग को ग्रेजुएट आर्ट्स में किया होना चाहिए, और प्लस आप लोग को हिंदी अगर किया है वन ऑफ द सब्जेक्ट वे 50% आप लोग को मांगा है। और जनरल ओबीसी के ST SC के लिए तो पता ही होगा सेम है,
इसमें भी बीएड कोर्स मांगा है उन्होंने। सो आपने किया है तो आप एलिजिबल है इसके लिए। सो अप्लाई आप लोग जल्दी कर लीजिएगा। ये दोस्तों आप लोग को सब डिवीजन में जाके अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्म भर के। तो आप लोग को अगर आप सब डिवीजन में जाएगा तभी आप लोग वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जो लोग नया है तो भी वहाँ जाके जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है नहीं करना है। तो वहाँ पे आप लोग को फूड प्रोसेस जो है बताया जाएगा दोस्तों, तो आप लोग वहाँ जाके अप्लाई कर लीजिए। और इसमें क्या बताया गया है उन्होंने, तो एज लिमिट 32 ईयर्स तक, उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 1 जनवरी 2020 से आप लोग को काउंट किया जाएगा दोस्तों। और उसके बाद आप लोग को एनओसी वगैरह भी मांगा है उन्होंने, अगर कुछ भी सर्विस में अगर आप लोग का है कोई, इनकेस आपके कैंडिडेट ऑलरेडी अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो लोग का एनओसी मांगा गया है दोस्तों। इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट एम्प्लॉयड इन एडेड स्कूल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एट द एज लिमिट ऑफ 35 ईयर्स, रिलेक्सेबल 5 ईयर्स एसटीएससी S1 जनवरी। तो 5 साल का अगर आप लोगों में से अगर कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में कर रहा है टीचर में, एडेड स्कूल में या कॉन्ट्रेक्चुअल में, तो इसके लिए जो है 5 साल का आप लोगों को क्या रिलैक्सेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो बेसिक आप लोगों को कोर्स भी इसमें और जानकारी नहीं होना चाहिए, रेसिडेंशियल बस मेघालय का ही होना चाहिए आप लोगों को दोस्तों। इसके लिए आप लोग क्या क्या भेजना पड़ेगा तो यहाँ पे रखा है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट नॉट फुलफिलिंग द बेसिक क्राइटेरिया विल बी समरली रिजेक्टेड। तो आप लोग में से अगर अदरवाइज कुछ भी अगर गलती कर देते हैं आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। डॉक्यूमेंट लाइक मार्कशीट, स्कूल सर्टिफिकेट एज प्रूफ, रेजिडेंटल सर्टिफिकेट, तो इनमें से अगर आप लोगों का डॉक्यूमेंट होगा तो आप लोग भेज दीजिए। कहाँ पर भेजना है, यहाँ सब डिविजन ऑफिस स्कूल एजुकेशन ऑफिसर साउथ वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट मौकीमरा, तो इसमें जाके आप लोग को देना पड़ेगा दोस्तों। तो वहाँ पे ही आप लोग का सब कुछ काम हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आप लोग को ठीक से एक्सप्लेन कर पाया भी होगा और नहीं भी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम लोग और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।